हे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्पेशल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। अब आज से आपको रेगुलर ये वीडियो मिलेगा, यानी जिस तरह से क्लास में जो भी पार्ट चलेगा उसका टू द कॉपी आपको यहाँ फिर आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। इसलिए जो भी बच्चे क्लास यदि छूट जाए तो उसको अब टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन लेने का समय चला गया, अब जो है उतना ही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन भी देंगे। तो जैसा कि आपको आज हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बात करेंगे, फिर ये सभी का सभी प्लेलिस्ट के अंदर रहेगा, आप अगेन देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बच्चों, एच बॉन्ड बोलेंगे। हम लोग बॉन्ड जो है जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही कहा जाए तो ये किस तरह का बॉन्ड है। यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो ऐसा ना हम लिख करके हम क्या कर देते हैं, यहां जेड ओ एच, जहां पे जेड के जगह पे एन ओ और एफ होगा, जेड के। तो यदि हाइड्रोजन जो है इस तीनों से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हम लोग कह देंगे वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दो टाइप का होगा, एक को कहा गया है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड और दूसरे को हम लोग क्या कह देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, अगेन इसको हम दो भाग में बात करेंगे। एक को कहा गया है होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड और दूसरे को कहा गया है हिटरो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्या समझे, एक को कहा गया होमो इंटर मॉलिक्यूलर, दूसरे को हिटरो इंटर मॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड जैसे ही बात होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच, और होमो, होमो कब कहेंगे, जब एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा। जैसे मान लिया जाए ये अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल ले रहे हैं तो अगेन जो है दूसरा यदि अल्कोहल ही होगा तो ये होमो इंटर मॉलिक्यूलर। यहां जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, यही तो एच बॉन्ड का इंडिकेशन है। एच बॉन्ड इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, नॉट केमिकल बॉन्ड, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के अंदर जाएगा। और फिजिकल प्रोसेस में हम लोग ये जो कह देंगे इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यदि अब हम डिटेल बात करेंगे पहले होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के अंदर, तो ठीक है, जो होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या है, तो इस तरह से ये जो एच बॉन्ड है ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग आपको जो है एच बॉन्ड से रिलेटेड है, इसीलिए एच बॉन्ड को समझना बहुत ही जरूरी है, जो एच बॉन्ड क्या है। बगैर एच बॉन्ड को समझे हुए ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड।
एप्लीकेशन ऑफ होमो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। इसमें सबसे पहला हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये किस तरह से इफेक्ट करता है, सिंबल कर देते हैं बीपी। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझिए क्या है। उतना टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में, कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में, यहां कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो जितना टेम्परेचर पे कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, उसको ही हम लोग क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। तो जब भी हमको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होगा, फॉर चेकिंग बॉइलिंग पॉइंट, यदि बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होगा तो सबसे पहला आप क्या करें, सी एच बॉन्ड, यानी आप एच बॉन्ड को देखें। दूसरा, यदि एच बॉन्ड संभव नहीं है, इफ एच बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यदि एच बॉन्ड संभव नहीं है, समझ रहे हैं बात को, तो देन वी सी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। इसमें हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें जो कहां एच बॉन्ड है, तो एच बॉन्ड यहां पे है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, सबसे ज्यादा एच बॉन्ड में के कारण यहां है। अब यहां पे ये हम देखेंगे जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वैन डर वाल फोर्स वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ रहे हैं बात को, जो जब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो एच बॉन्ड देखेंगे, तो एच बॉन्ड है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा। उसके बाद इस तीनों में देखिए जो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए ये नहीं जो हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, एक आर्बिट्री आइडिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा जो है सो आयोडीन का एटॉमिक वेट है, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा इसका होगा। तो एच आई, एच बी आर और एच सी एल, इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी एच थ्री ओ एच, सी एच थ्री सी एल, इस दोनों में यदि आपसे कहा जाए जो बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या चेक करें, एच बॉन्ड, देखिए इसमें एच बॉन्ड बनाने का क्षमता है कि नहीं है, कैसे समझेंगे, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, इसीलिए एच बॉन्ड बनाने का क्षमता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वे फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम, फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग जब भी अब एच बॉन्ड देखेंगे तो सबसे पहले आप ये चेक करें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से और नाइट्रोजन से अटैच्ड है कि नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, Thank you.
बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, जो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले क्या कहें हम, जो क्या करना है, एच बॉन्ड। देखिए कोई एच बॉन्ड नहीं, अब क्या करेंगे हम, वैंडरवाल फोर्स लगाएंगे। तो वैंडरवाल फोर्स के लिए आप क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मॉलिक्यूलर वेट भी सबका ज्यादा है, सभी का सेम है। अब क्या करेंगे आप, तो सरफेस एरिया यानी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, ठीक है। और सरफेस एरिया जो होगा वे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्मिनल, नंबर ऑफ टर्मिनल यानी सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा उसका वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्मिनल देखेंगे, नंबर ऑफ टर्मिनल ज्यादा तो सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां पे हम क्या करें, सभी का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि टर्मिनल सिर्फ दो ही है, एक यहां और एक यहां। यहां टर्मिनल कितना, एक दो तीन है, टर्मिनल कितना, एक दो तीन चार है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट सेकंड, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट थर्ड। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लीजिए, NH3, PH3, ASH3 और SBH3। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता करना है। क्या आपको सिखाए, जो सबसे पहले H बॉन्ड, लेकिन सावधान रुकिए, इस केस में यहां पे याद रखना होगा जो SBH3 का होता है। देखिए होता है बच्चों क्या, सबसे पहले जितना भी दुनिया में साइंस का बात है, तो साइंस तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये तो कोई कहानी है नहीं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट हर समय हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसीलिए थ्योरी अप्लाई किया जाता है। अब थ्योरी में जिस तरह का लॉजिक सेट हो, ये लॉजिक सेट किया जाता है। अब यहां पे देखिए आप, जो होना चाहिए इसका मतलब थ्योरी के अनुसार, लेकिन पाया क्या गया एक्सपेरिमेंटली, SBH3 का। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर NH3 का, और फिर उसके बाद ASH3 का, और उसके बाद PH3 का। तो यहां पे ये समझा गया, जो यहां वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव है, मोर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उम्मीद है जो अब आप बॉइलिंग पॉइंट से सवाल क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब एक्सेप्शन मेरा यही NH3 वाला है, और जो है हम लोगों का एक्सेप्शन नहीं है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। चलिए देखिए यहां पे H2O, HF और NH3 में बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, जो सबसे ज्यादा किसका। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O में, उसके बाद HF में, उसके बाद NH3 में।